मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे एक छोटी सी स्टोरी एक फिश के बारे में, अ लिटल फिश स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। देर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिशेज इन द सी, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। नाउ दिस लिटल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. समुंदर में लाखों करोड़ों मछलियाँ होती हैं, लाखों करोड़ों मछलियाँ, और कुछ बड़ी होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, जैसा जिसको गॉड ने जैसा बनाया। लेकिन ये जो स्टोरी है एक छोटी फिश की है, छोटी फिश की, जिसके पास सब कुछ था जो एक फ़िश को चाहिए होता है समुंदर में, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ही छोटी है और स्मॉल साइज़ की फ़िश है। आगे है, इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, हो मच हैप्पियर आई कुड बी। एंड ही सेड इट वॉज मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। वो हमेशा कहती थी कि भगवान ने मुझे छोटा बनाया, अगर मैं बड़ी होती तो कितना मज़ा आता, सब कुछ कितना अच्छा होता, लेकिन मुझे भगवान ने छोटा बनाया। वो बहुत दुखी थी, उसे लगता था कि उसके साथ गलत हुआ है। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हो मच मोर द लॉन्गर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देम। ही वैन सडनली विद नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशीज ऑफ अ ग्रेट नेट। वो अपने स्कूल के साथ, अपने ग्रुप के साथ स्विमिंग कर रही थी और सोच रही थी, वाह कितना अच्छा है ना, आपको मोड, आप बहुत लंबी फिश होते हो तो सब कितना बढ़िया होता है और कितना थैंकफुल रहते हो। देयर वॉज मच फ्लोटिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रोन अप आउट ऑफ द वाटर इन द सनलाइट एंड जस्ट एज इट्स हॉल हैज़ बिगिन। सडनली जब वो फिशेज अपने स्कूल के साथ घूम रही थी तो एक बड़ा सा नेट में वो सभी फिशेज, कुछ भी उन्हें पता नहीं चला, वो सारी फिशेज उस नेट में जकड़ी गई, पकड़ी गई, और उन्हें बोट ने, उन्हें जो फिश मैन ने, उन्होंने खींच के उन्हें बोट के ऊपर ले आए और एकदम से सब, सारी बोट उससे भर गई, एम्प्टीड इन टू द बोट। उस पूरा नेट था वो उन्होंने बोट में खोल दिया। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रो द मैश एंड स्लिप बैक इन टू द कूल क्लीन वाटर। वाओ, लेकिन उस जो नेट में से जो सबसे छोटी मछली थी वो उसमें से निकली और खिसकती हुई पानी में चली गई। How good is that? Wow. How good it feel. He swam here and there and everywhere and come. And some of the fish who know him well are the rest of his life said that they never again heard him say that he wish to be anything had a little fish. Wow. इससे क्या मोरल? तो जब पहले हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ, तो वो फिश जो थी, सारी फिशेज नेट में थी लेकिन वो जो फिश थी वो पानी में चली गई वापस, क्योंकि वो छोटी थी, बहुत छोटी फिश थी, वो नेट से निकल गई और आराम से पानी में चली गई। तो उन्होंने कहा कि जो बाकी फिशेज उसको जानती थी, उन्होंने कभी नहीं उसके मुँह से सुना कि मैं क्यों, भगवान ने मुझे छोटा बनाया, हमें भगवान ने जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया, हमें परफेक्ट बनाया, ये उसको समझ आ गया था। तो हमें जैसा भी हैं, हम अच्छे हैं, मोटे हैं, पतले, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ये हमें ये स्टोरी से मिलता है। आगे दोबारा पढ़ते हैं। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो इतनी खुश थी, वो खुशी से इधर उधर स्विमिंग कर रही थी। सम ऑफ द फिशेज who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. जो उसको, जितनी भी उसको फिशेज जानती थी,
उन्होंने कहा कि उस फिश वो इतनी खुश थी कि वो छोटी थी, उसने कभी कंप्लेन नहीं की और हमेशा भगवान को थैंकफुल किया। ओके, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।